एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? आशा करते कि आप सब ठीक ही होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे, और होना भी चाहिए। अभी सुबह के बज गए हैं 11 और मैं इतना सज धज के कहाँ जा रही हूँ, और इतना मेकअप मैंने क्यों किया है, क्या है मेरे घर पे या फिर मैं कहीं जा रही हूँ, क्या बात है? तो मैं आपको बता दूँ कि आज है संतान सप्तमी का व्रत और मैं भी रखती हूँ इस व्रत को। इस बार मैं सेकंड टाइम संतान सप्तमी का व्रत रख रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने पहली बार रखा था और आज मेरा दूसरी बार व्रत है, यानी कि मोर छठ के दूसरे दिन ये पड़ता है संतान सप्तमी। कहीं कहीं संतान सातवीं भी बोला जाता है, तो बहुत अच्छा होता है, अपने बच्चों के लिए रखा जाता है ये व्रत संतान के लिए। तो आज मैंने भी रखा हुआ है, तो उसी की तैयारियाँ कर रही हूँ मैं। तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं। खाने में मैंने सब्जी बना दी है, आलू टमाटर की। वैसे सब्जी पूजा में नहीं चाहिए, बट मैंने घर पे खाने के लिए बना दी है इन लोगों के लिए। और आज मेरा व्रत है तो मैं तो नमक की चीज़ नहीं खाऊंगी, बट बाकी के लोग खाएंगे, इस वजह से मैंने सिंपल सब्जी बना दी है और पूड़ियाँ तो बनेंगी ही। और यहाँ पे मैंने भोग के लिए खीर बना ली है, ये देखो थोड़ी सी। और यहाँ पे आटा लगा लिया है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा आटा मैंने इसलिए लगाया है कि 14 पूड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि 14 पूड़ियाँ बनती हैं संतान सप्तमी के व्रत में। तो मीठी पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ मैं, आप चाहो तो पुए भी बना सकते हो। तो साथ साथ अलग अलग करके रखी जाएंगी 14 पूड़ियाँ, तो मीठी पूड़ियाँ और खीर भी आप बना सकते हो अगर आप चाहो तो। तो 7 पूड़ियाँ भोग के लिए, माता पार्वती के लिए, शिव जी के लिए और गणेश जी के लिए। और जो 7 पूड़ियाँ होंगी वो मुझे खुद खानी, यानी कि किसी को नहीं दिया जाता है उसमें से। और सब्जी वगैरह नमक नहीं खाएंगे, खीर और पूड़ी खा सकते हो आप लोग। और पूजा में क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी, आप लोग देख लेना। तो चलिए फटाफट से पूड़ियाँ सेक लेती हूँ भोग के लिए। और वहाँ का जो पूजा का मैंने सारा कुछ सामान लगा दिया है, सब कुछ सेट कर दिया है, अभी आपको नहीं दिखा सकती, आपको दिखाऊंगी मैं बाद में। तो ऐसी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पूड़ियाँ। बाकी की सारी तैयारियाँ मैंने कर ली हैं, मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है अभी। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। गाइस, मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है, ये देख लीजिए। संतान सप्तमी व्रत के पूजा के लिए सारी चीज़ें जो भी चाहिए होती है वो मैंने सारी रख ली हैं। तो चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ और फिर करती हूँ पूजा। बाय। तो दोस्तों, मैंने संतान सप्तमी व्रत की पूजा की सारी सामग्री ले ली है जो भी चाहिए होता है, यानी कि दूर्वा, बेलपत्र, फल, फूल, चंदन, रोली, अक्षत, कलावा और मेवा और श्रृंगार का सामान, माता पार्वती के लिए पंचामृत, खीर और मीठी पूड़ियाँ, महावर और कच्चा दूध, तो यही सब चाहिए होता है। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने कितना प्यारा शिव परिवार बनाया है, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गणपति बप्पा, बिल्कुल जैसे मार्केट से लेके आते हैं मूर्ति वैसे ही लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो मंदिर में रखी हुई थी भगवान शिव परिवार की मूर्ति, वो रख ली है प्रतिमा, और नीचे शिव जी की शिवलिंग रख ली है और लक्ष्मी माता की भी प्रतिमा रख ली है साथ में। और यहाँ पे मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, मैंने जो चौकी रखी ना उसके नीचे सबसे पहले मैंने हल्दी से लीपा हुआ था। हल्दी या गोबर से लीप सकते हो, तो कच्चे घरों में तो लोग गोबर से लीप लेते हैं, लेकिन पक्के घरों में आप हल्दी से लीप सकते हो। हल्दी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है पूजा पाठ में। उसके बाद मैंने चौकी रखी है, चौकी पर लाल कपड़ा डाला है और फिर चावल डाले हैं। चावल के बाद मैंने शिव परिवार रखा है और उसके बाद जो शिव जी की प्रतिमा है वो रखी है चावल डाल के।
और अब हमें शिव जी को कच्चे दूध से स्नान कराना है, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है और फिर से पंचामृत से स्नान कराएंगे और फिर शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। उसके बाद हम वस्त्र अर्पण करेंगे शिव जी को, माता पार्वती को और गणपति बप्पा को। तो आप कलावा ले सकते हो वस्त्र के रूप में, और माता जी के लिए, पार्वती माता के लिए चुन्नी हो तो आप चुन्नी अर्पण कर सकते हो। उसके बाद हमें चंदन लगाना है, चंदन का लेप करना है शिव जी को, तो त्रिपुण बनाना है। उसके बाद हमें माता पार्वती को रोली का टीका करना है और गणपति बप्पा को भी रोली का टीका करना है। तो शिव जी को हम रोली का टीका नहीं करेंगे, सिर्फ चंदन ही लगाएंगे। संतान सप्तमी व्रत की पूरी पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग कैसे करते हो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद हम फूल अर्पण करेंगे शिव जी को, हम सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे और माता पार्वती को लाल कलर का फूल चढ़ाएंगे गुलाब का, और गणपति बप्पा को हम पीला फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भोले बाबा को जनेऊ अर्पण करेंगे और गणपति बप्पा को भी जनेऊ अर्पण करेंगे, और फिर दूर्वा चढ़ाएंगे भोले बाबा को। और भोले बाबा की मनपसंद यानी कि धतूरा है, दूर्वा है, ये बहुत पसंद है भोले बाबा को, तो ये ज़रूर चढ़ाएं आप लोग, भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हल्दी लगाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे यानी कि चावल, और सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, इससे भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल देते हैं इसे करने से, तो वो है बेलपत्र। जब भी आप भोले बाबा को बेलपत्र अर्पण करें तो बेलपत्र के तीनों पत्तों पर चंदन से श्री राम भगवान का नाम लिख के तभी अर्पण करें, भोले बाबा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो चलिए, मैंने बेलपत्र भी अर्पण कर दिया है भोले बाबा को। उसके बाद मैंने माता पार्वती को श्रृंगार दे दिया हुआ है जो मैंने लिया था, और हमें कलश देवता का भी पूजन करना है, और उसके बाद दीपक का भी करना है, दीपक में अक्षत रोली और फूल चढ़ाना है, और गरुण देवता का भी पूजन करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए सबसे मेन चीज़ संतान सप्तमी व्रत की यानी कि धागा लिया है, धागा मैंने यहाँ पर कलावा लिया हुआ है, और कलावा मैंने 7 गठान लगा दी है, गांठ लगा दी है, और धागा का भी मैंने पूजन किया है यानी कि अक्षत रोली और फूल रख के और भगवान शिव के सामने रख दिया है। और हमारे मन में जो भी इच्छा हो हम मांग सकते हैं, और इच्छा को मन में बोल के आप कलावा को भगवान शिव को अर्पण कर दो। और उसके बाद मैंने माता पार्वती को महावर लगाया है और खुद ने भी लगा लिया है, और कुछ दक्षिणा भी रखेंगे जो आपकी श्रद्धा हो उतनी रख सकते हो। उसके बाद हम भोग लगा देंगे मीठी पूड़ियों से और खीर से, और फिर पानी पिला देंगे। और धागा की जगह आप चांदी की चूड़ी ले सकते हो, तो 1.25 तोला की चूड़ी ले लीजिए, और नहीं तो आप धागा भी रख सकते हो 7 गांठ बांध के। तो चलिए, यहाँ पे मैं संतान सप्तमी व्रत की कथा सुन रही हूँ, भगवान शिव की कथा। तो मैंने हाथ में कुछ पैसे रख लिए हैं दक्षिणा के रूप में, और फूल और अक्षत रोली रख ली है। तो कथा मैंने सुन ली है, मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं गणपति बप्पा की सबसे पहले आरती कर रही हूँ, उसके बाद शिव जी की आरती करूँगी। तो चलिए, मेरी पूजा हो गई है संतान सप्तमी व्रत की। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये पूजा, और ये आज का वीडियो कैसा लगा, संतान सप्तमी स्पेशल ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। संतान सप्तमी का व्रत करने से अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है, भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करते हैं, जो आपने मन में रखी है जो भी इच्छा वो ज़रूर पूरी होती है। भगवान शिव सदैव उनके बच्चों की रक्षा करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। बोलो गणपति बप्पा की जय, माता पार्वती की जय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरी पूजा संपन्न हो गई संतान सप्तमी की, ये देख लीजिए मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और कौन कौन करता है संतान सप्तमी का व्रत, कौन कौन रखता है बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये देख लीजिए 1:15 होने वाला है, और जस्ट अभी मैं पूजा करके फ्री हुई हूँ। तो चलिए, मैं भी इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो ये देखो मेरे हाथ कैसे हो रखे हैं, जब भी मैं महावर लगाती हूँ ना तो ऐसे ही मेरे हाथ हो जाते हैं पूरे रेड रेड। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। बाहर माइक की आवाज़ आने लगी यार, इतना पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है यार। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें,
तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे एक वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे एक ब्लॉग के साथ। अच्छे वीडियो का वेट करते रहना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा दोस्तों।